चार तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर पटना सिटी की है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने स्कॉर्पियो चालक की हत्या कर दी और गाड़ी लूट ली। दूसरी तस्वीर लखीसराय के सूर्यगढ़ा की है, जहां बदमाशों ने लूटपाट के बाद कुरियर वाहन के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। तीसरी तस्वीर खगड़िया की है, जहां पत्नी ने अवैध संबंध का विरोध करने पर पति की गला रेत कर हत्या कर दी। तो वहीं अंतिम तस्वीर बगा की है, जहां शादी से लौट रहे एक व्यक्ति की रास्ते में हत्या कर दी गई, जिसका शव बरामद हुआ है। और चलिए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात राजधानी पटना की करेंगे। राजधानी पटना में लूट और हत्याओं का दौर जारी है। ताजा मामला पटना सिटी अनुमंडल के फतवा थाना क्षेत्र के फोलेन स्थित पीयू फूड प्लाजा के पास किया, जहां हथियारबंद अपराधियों ने स्कॉर्पियो चालक की हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो, चश्मदीदों की माने तो, पटना की ओर से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी पेट्रोल पंप के आगे फोरलेन पर पीहू फूड प्लाजा के पास रुकी थी। चालक के गाड़ी से उतरते ही लुटेरे हथियार के बल पर गाड़ी की चाबी छीनने लगा, जिसका चालक ने विरोध किया तो अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और गाड़ी लेकर फरार हो गए। मृतक की पहचान नवादा निवासी 42 वर्षीय सत्येंद्र यादव के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गाड़ी में गया वैसी हूँ, गाड़ी में से मेरे तरफ भागते हुए आया, चाबी की ले लीजिए भैया चाबी, ये हमको चाबी छीन रहा है। अच्छा, हम उतर के नीचे यहाँ पर आए, यहाँ पर उतर के देखे तो उधर से दोनों हाथ में वो दोनों आदमी पिस्तौल लेके लहराते हुए फायर करते आ गया यहाँ पर ही। और लखीसराय में अपराधी ने कुरियर वाहन के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के मानो गाँव के पास का है, जहाँ NH-80 पर देर रात बदमाशों ने लूटपाट के बाद कुरियर वाहन के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान पिकअप पर सवार अन्य लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। तकरीबन आधा दर्जन से अधिक की संख्या में स्कॉर्पियो पर सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और इस दौरान बदमाशों ने सभी लोगों के साथ मोबाइल सहित करीब 1 लाख रुपए भी छीन लिए। मृतक की पहचान नोवागढ़ी के जानकी नगर निवासी रघुनंद के पुत्र पंकज कुमार के रूप में हुई है। सभी लोग मुंगेर से पटना 2 पिकअप के साथ सामान लाने जा रहे थे। एकाएक घुमा परिया गाड़ी आगे में स्कॉर्पियो लगा दी, बिना गाड़ी रोका हम भी रोके ठीक। उसके बाद स्कॉर्पियो से सब लोग उतरा आगे तोड़ फोड़ करने लगा। अच्छा, जितना देर में हम बाइक करते उतना देर में फिर हम सब से भैया हम लोग तो डरा झुका के सब पैसा मोबाइल से पहले मोबाइल चाबी पैसा ले लिया, उसके बाद सब लोग फिर स्कॉर्पियो से ओवरटेक किया गया। ओवरटेक कर करके इन लोगों के साथ लूटपाट किया और बोला ड्राइवर को गेट खोलो। गेट खोलने में जरा सा विलम्ब हुआ, स्वाभाविक है, खोलेगा, प्रोसेस भी तो है खोलने का। उतने में सिंगल शॉट से गोली मार दी। और खगड़िया में भी एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की ही हत्या कर दी। मामला बेलदौर थाना के पंसलबा गांव का है, जहां पत्नी के अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को घर में ही मिट्टी के गड्ढे में छिपाने की योजना थी, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया और आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हम नहीं देखे, हम अभी ये भी किए। क्या जानकारी मिली लोगों से? हमको फोन गया यहाँ से कि तोरा पप्पा के काट दलवा के ने, तब हम यहाँ आए। और चलिए बात बगा की करेंगे, जहां पर शादी समारोह से लौटने के दौरान शख्स की हत्या कर दी गई। संदिग्ध अवस्था में हत्या के बाद शव को झाड़ी में फेंके जाने की भी आशंका थी। आपको बताएं कि बथुवरिया थाना क्षेत्र के शेरा बाजार निवासी अरुण पांडे का शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची बथुवरिया थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेतु शव को अस्पताल भेजा गया। और अब बात नवादा की करेंगे। नवादा में एक ही परिवार के 3 लोगों का शव मिला है। मामला रजौली थाना के प्रांचक गांव का है, जहां महिला और उसके 2 बेटों का शव मिला है। मृतक में रिटायर्ड दरोगा शिव नारायण चौधरी की पत्नी लाछो देवी और उनके 2 बेटे हैं। घर में महिला अपने 2 बेटों के साथ अकेले रहती थी। दरोगा ने 2 शादी कर रखी थी और मृतक उनकी दूसरी पत्नी थी। घटना की जानकारी मिलते ही नवादा के प्रभारी SP आनंद कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। प्रभारी SP ने बताया कि प्रथम दृष्टि में तो ये हत्या का ही मामला लगता है। आइसोलेटेड घर है, रोड के किनारे बना हुआ, उसमें एक महिला जिसकी उम्र लगभग 45 साल और उसके 2 बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 10 और 13 साल, उनकी बॉडी मिली है
और हम लोगों ने अभी घटनास्थल का मुआयना किया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत होता है और अभी एफएसएल की टीम को भी बुलाया जा रहा है, डॉग स्क्वाड पे बुलाया जा रहा है। प्रदेश में इन दिनों चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। एक तरफ जहां चोरी की घटनाओं से लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस तत्परता से काम करने की बजाय घटनास्थल पर पहुंचने में घंटों लगा देती है। ताजा मामला छपरा जिला का है, जहां लाखों का सामान चुराते दो चोरों को गृहस्वामी यानी कि मालिक ने धर दबोचा। जब पुलिस को इसकी सूचना दी गई तो पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचने में 2 घंटे लगा दिए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गेगटा गांव की है, जहां घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और तभी महिलाओं ने दो चोरों को घर में घूमते देखा। लोग कुछ समझते इससे पहले ही चोर वहां से भागने लगे, तभी मालिक ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए दो चोरों को पकड़ लिया। वहीं चोर के अन्य साथी भागने में कामयाब रहे, सफल रहे। शादी में आई महिलाओं ने 2 मोबाइल गहने समेत लाखों के सामान गायब कर दिया। ये बात उन्होंने कही कि गायब हुआ है। फिलहाल दोनों चोरों को पुलिस को सौंप दिया गया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बाहर से आया था, दिल्ली रहने वाला हूँ। अच्छा, दिल्ली रहता है? हाँ। यहाँ क्या करता था? ये बंदा मेरे से बोला चल इधर से घूम के आते हैं, चोरी करने हैं? नहीं नहीं, चोरी चोरी करने तो मेरे से बंदा बोला था कि चल यहाँ शादी है, खाने जाएंगे। हम लोग आ रहे थे तीखा को, ठीक है। कहाँ से तीखा के आ रहे थे? वहाँ से किनारा से आ रहे थे एकदम। हम लोग जाने के साथ ही है तो इसको बाहर रुका दिया, ठीक है। ये कौन है? ये मेरे गांव का है, गांव का है, बगल में का है। राजधानी पटना में जहाँ एक और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, तो वहीं पुलिस की दबिश भी जारी है। पुलिस लगातार आपराधिक वारदात पर नकेल कसने के लिए अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है और इसी क्रम में पटना सिटी के आलमगंज थाना की पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 लुटेरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि 28 नंबर को गांधी सेतु बैरियर के पास सीतामढ़ी के रहने वाले असगर अली अपने संबंधी के साथ बस से उतर कर घर जा रहे थे, तभी 3 लुटेरों ने हथियार के नोक पर उनसे मोबाइल और रुपये लूट कर फरार हो गए, जिसकी सूचना आलमगंज थाने को दी गई, जहाँ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विस्कुमान गोलंबर के पास से 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार लुटेरों के पास से एक कट्टा, एक कारतूस और लूटे गए मोबाइल रुपए को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार 3 लुटेरों से पुलिस की पूछताछ जारी है और इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। इसकी सूचना जैसे ही मिली तो वैसे ही आलमगंज थाना प्रभारी सुधीर कुमार, प्रदीप कुमार, सैयद ग्यास हादी और उनके साथ और बल सब छापेमारी शुरू की, तो उनके बताए हुलिये के आधार पर बिस्कुमान गोलंबर के पास 3 अपराधी पकड़े गए। उनके पास से लूटा गया मोबाइल और ये बरामद किया गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इनके पास